सुधाय भगवान भाई नमो सती आसुरी बोल रहे हैं मारो तय साहब जी तमाम प्रकार लव कराए बता प्यारा मेरे भाई बोल प्रसाद जी आओ बुलाई में शैतान रहीम सुधाय भगवान भाई ज़रूरत को महसूस किया है
उन्हें नमाज में सूर्य फातिहा कितनी मरतबा पढ़ते हैं? एक नमाज में एक मरतबा सूर्य पढ़ती जाती सूर्य फातिहा तो काफी था, पढ़ता लिखा नहीं। नमाज की हर रकात में पढ़ना चाहिए, हर नमाज में तो पढ़ना ही चाहिए, मगर नमाज की हर रकात में पढ़ना चाहिए। जितनी भी तुम रकातें पढ़ते हो, हर रकात में पहले सूर्य फातिहा होनी चाहिए। दो मकसद है इसमें, एक तो ये कि आपको अल्लाह ताला की तारीफ सिखाई जाती है, और दूसरा ये कि उसमें अल्लाह और बंदे का रिश्ता क्या है वो जाहिर किया जाता है, और तीसरा कि तुमको खुदा से क्या मांगना चाहिए ये सिखाया जाता है। आदमी नमाज पढ़ता है तो एक ही तरह की नमाज नहीं होती, हैयत शक्ल सूरत हरकतें एक होती हैं, लेकिन आदमी एक नहीं होता, आदमी एक नहीं होता। अगर गुस्से में लड़ते हुए आदमी नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ रहा है पर जहन कहाँ जा रहा है उसका, उससे गुस्से की तरफ जाता है, वो लड़ाई की तरफ नहीं आता है। ज्यादा छोड़कर आया है तो जहन ज्यादा की तरफ जाता है। तकमील के लिए आयदे की जाबते की तकमील के लिए पढ़ तो रहता है, पर जहन उसी तरफ रहता है जहाँ से आया था। और एक मतलब ऐसा होता है कि सबकी तरफ से दिल टूटा हुआ रहता है, जब वो आकर नमाज पढ़ता है तो उसका दिल किसी तरफ जाता है, अल्लाह की तरफ जाता है। वही ये नमाज आपकी मर्जी के लिए काफी हो जाती है। अल्लाह सब नमाजों को कबूल नहीं करता, सब सजदों को कबूल नहीं करता। पता नहीं हमारा कौन सा सजदा खुदा को कबूल हो जाता है, और उस सजदे के सत्ते में अल्लाह तबारक व तआला हमारी पूरी नमाजों को गिरा देता है। इसलिए वो कहता है कि पढ़ो, पढ़ते रहो। जब पढ़ते रहोगे तो ये कैफियत पैदा हो जाती है, जब कैफियत पैदा होती है तो नमाज में जो कैफियत पैदा होती है उसी को आप नमाज कहो, और मैं उसको न्याज के नाम से नमाज से न्याज होना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से गुर्बत होनी चाहिए। और आप ही मानने के दीना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको तो सही रास्ता बता, ये जो दुआ है ये मामूली दुआ नहीं है। तो हमने अल्लाह तबारक व तआला से एहदिना सिरातल मुस्तकीम की दुआ सब मुसलमानों ने मांगी थी, बस लोगों की दुआओं को अल्लाह ने कबूल किया, और उस वक्त के एतबार से सिरातल मुस्तकीम भी उनको आता चलते रहे। लेकिन सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले भी जब रास्ता चलते चलते राह मारते रहे, गलत निशान लगाते चले गए, जिसकी वजह से मुसाफिर भटकने लगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने देखा मेरा कोटा तो पूरा पैदा पर होगा खत्म हो चुका है, आखिरी उम्र मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और इसके बाद फिर किसी पैगंबर की दशा नहीं है, तो क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला मोहताज नहीं है, इनको भी सबक सिखाना था। ये लोग भटके हुए हैं, जो लोग भटकाने वाले हैं, इनको भी सबक सिखाना था। रास्ता सामने न हो, नशा न हो, रास्ता भूल जाए तो उनको बताने के लिए रास्ता मिल जा सकता है किसी के जरिए से। और हमारे पास दो बातें थी, गाइड दो आए थे, एक कुरान शरीफ और एक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या बोला नहीं याद कोई बात, मानादार बात कह रहा हूँ। लोग कहते हैं कुरान और सुन्नत, और मैं कह रहा हूँ कुरान और सीरत।
सीरत बात को याद रखो, क्योंकि लोग सुन्नत के नाम से ही भटकते चले गए और भटकाते चले गए। किसका नाम लेते गए? सुन्नत। हम तो सुन्नत की इत्तबा कर रहे हैं। जब सुन्नत की इत्तबा करते ही तो चार रास्ते क्यों पैदा हो गए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत के चार रास्ते बताए थे, वो भी एक दूसरे की जिद, एक दूसरे के मुखालिफत। और अब ये हो रहा है कि हर शख्स सुन्नत की इत्तबा करनी चाहिए। बगैर सुन्नत की इत्तबा के किसी को हिदायत नहीं मिलती, किसी को नजात नहीं मिलती। अगर तुमको फराह पानी है तो सुन्नत को मजबूत पकड़ो। जब सुन्नत के रसूल का नाम आता है तो सब भलाई करते हैं। अब झगड़ा जो हो रहा है वो मिल्लतों के बारे में नहीं, अब झगड़ा हो रहा है मसलकों के बारे में, नस्ल फसलों के बारे में, मसलकों के बारे में। और अब बात यह पैदा हो गई कि कुरान भी गया, जब मैं अल्फाज सुनूँ और मैं महंगी को अल्लाह ने क्यों पैदा किया उसका राज बात सुनो। झगड़ा कुरान के बारे में नहीं, झगड़ा सुन्नत के बारे में भी नहीं। इसके पहले ने बोला था कि सुन्नतों को भी तफसीर कर दिया गया, और अब क्या कह रहा हूं, कुरान को छोड़ दिया गया, सुन्नत को भी, जैसा वो कहते हैं सुन्नत को भी छोड़ दिया गया। अब हाथ में क्या आया था हम अबू हनीफा ने फरमाया, इमाम शाफी ने फरमाया, इमाम मालिक ने फरमाया, इमाम अहमद इब्ने हंबल ने फरमाया। हमने मुफ्ती साहब से सवाल किया था क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, तो मुफ्तियान शरई मदीन इस मसले में हमने क्या सवाल किया था, उलमाए दीन मुफ्तियान ने शराय मदीन इस सवाल के बारे में क्या कहते हैं। तो आप जवाब देंगे, अगर किसी को मेरी बात पर शक पैदा हो तो कल ही सुबह जाकर एक सवाल आप पूछ लेंगे, तो वहां से जवाब मिलता है। हजरत इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं सवाल क्या किया गया था, शरे दीन मदीन क्या है, और जवाब किया जा क्या क्या दिया जा रहा है, इमाम अबू हनीफा। अरब में जाओ इमाम मालिक ये फरमाते हैं, केमल चले जाओ इमाम शाफई ये फरमाते हैं। हमने ये सवाल किया था, हमने सवाल किया था कि दीन के मसला दीन में यह मसला क्या है, हमको एक प्रॉब्लम पैदा हुआ है, इसका हल क्या है। तो जवाब किसे देना चाहिए था, दीन के असल असास दो हैं, सोर्सेस दीन के दो हैं, एक अल्लाह ताला की किताब, इसे अल्लाह खुद कहता है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, अल्लाह ताला की किताब को मजबूती के साथ पकड़ो। अब यहाँ किताब का सामने है, और फिर कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, इताअत खुदा इताअत रसूल, ये दो का हुक्म दिया गया था। पर हमको जवाब तो दिया जा रहा है, किससे जवाब दिया जा रहा है, ना अल्लाह का हुक्म सामने है ना रसूल का हुक्म सामने है, जवाब दिया जा रहा है इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, इमाम शाफई फरमाते हैं। जैसे ये बोलने लगे तो दूसरे खड़े होते, इमाम शाफई फरमाते हैं कि ये मसले का हल है, तीसरे ने कहा इमाम अहमद हम्बल ये फरमाते हैं, चौथे ने कहा इमाम मालिक के फरमाते हैं। तो दीन की तस्सीम कहाँ से शुरू हुई, और लोगों ने दीन को पकड़ा तो किसके जरिए से पकड़ा, किसका नाम लेकर पकड़ा। नतीजा ये हुआ वो जो अल्लाह ने कहा था आवाज़ तस्वीरों के हमले ला ही जमीयाँ वाला तबर रखूं,
अल्लाह की रस्सी को मजबूत कर लो और आपस में मुतफर मत हो जाओ। अब ये इमामों के पैदा होने के बाद लोगों ने क्या किया, मुतफर हो गए, मुतफरिक हो गए, बिखर गए, और फिर अपने अपने इमाम का दामन पकड़े हुए, अपने इमाम का झंडा लहराते हुए पाए आए, नहीं हमारा इमाम सही, तुम्हारा इमाम गलत। उस इमाम से हम जाकर पूछते हैं, कभी ये बात है मेरे पास तो कुरान की आयत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दूसरे इमाम ने कहा मैं उससे हटकर बात नहीं करता, मेरे पास भी किताब अल्लाह है और मेरे पास भी सुन्नत रसूलुल्लाह है। तो लड़ते थे ये इमामों के बारे में, और से सुनो, लड़ते थे ये इमामों के बारे में, लड़ाई चली गई कहाँ, कुरान और सुन्नत के सब चली गई। अब जहन सवाल हुआ क्या कुरान भी दो से चार तरीके बताता है, क्या रसूल की सुन्नत भी चार तरीके बताती है। मसलन कायम हो गया इबादतों से लेकर मामलात तक, इबादतों से लेकर मामला, एक वजू आप नहीं कर सकते, एक वजू इबादत की बात बाद में आती है, मैं कह रहा हूं आपकी बात है, एक वजू आप नहीं कर सकते। आप वजू करके बैठो, इमाम शाफी के कौल के मुताबिक सर का मसा करना है तो आप लोग फरमाते हैं कि दो तीन बाल को छू लो तो आपको सर का मसा हो जाएगा। अब अनियमी का हनीमा का पैरवी करने वाला पैरों का रखा हुआ है वो देखेगा और कहेगा तेरा वजू नहीं हुआ, आपकी नमाज नहीं होती, क्यों भाई तुमने बालों को छुआ है। अबू हनीफा फरमाते हैं कम से कम चौथाई सर का मसा करना चाहिए, जब चौथाई सर का मसा तुमने नहीं किया तो तेरा वजू नहीं हुआ, तेरी कैसी नमाज नहीं हो सकती। नमाज जा रही है ईमान और इत्तेकाद के लिहाज नहीं, इस नुक्ते को आप ध्यान रखो, नमाज जा रही है ईमान और इत्तेकाद के नहीं, इत्तेवाद नहीं, अमल की शक्ल बदलने की वजह से वजू जा रहा है और जिसकी वजह से इत्तेदा भी नहीं जा रही है। वही हमारे मालिक परिमाम अहमद हम्बल के पैरोदार खड़े हुए थे, उन्होंने कहा ना तुम्हारा वजू सही ना तुम्हारा वजू सही, क्यों तो नहीं, जब तक पूरे सर का मसा नहीं होता तुम्हारा वजू नहीं होता, इससे हम तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। एक सर के मसा की बात कर रहा हूँ, खाली वजू में समझता हूँ कि 35-36 मसाइल ऐसे हैं कि जिसकी वजह से वजू होता या नहीं होता, दीन का नहीं, अकीदे का फर्क नहीं है, ईमान में कोई घटना नहीं है, वजू के तरीकों में फर्क पैदा हो रहा है। नतीजा ये हुआ कि कौम बढ़ गई, अपने इमाम के झंडे तले खड़े हो गए हर मसले में। आप उठो तो अबू हनीफा ये कहते हैं, इमाम अबू यूसुफ ये कहते हैं, इमाम मोहम्मद ये कहते हैं, इमाम जुफर ये कहते हैं, इमाम शाफी ये कहते हैं, उतना ये कहते हैं, उतना ये कहते हैं, उतना ये कहते हैं, दीन खुदा का, दीन खुदा का। अब यहाँ तस्वीर दीन की कहाँ कहाँ हो रही है, रही है और उनकी इत्तेबा की जा रही है जो मासूम खता नहीं है, उनकी इत्तेबा की जा रही है जो मासूम खता नहीं। ये एक शोभा आज बोला, ऐसे बहुत है, ऐसे बहुत है, सिर्फ एक बात आपके सामने रखो, भगवान ने कहा कि बात अब हर भी या ये मेरी भी और मेरे रसूल की भी, जिसको मैं इतने इत्मीनान के साथ एतमाद के साथ भेजा था कि सारी दुनिया के मुसलमानों को कोई इनके एतबार नहीं रहेंगे, आज इन्हीं को भूल गए,
और दूसरों का नाम लेकर जी की बातें चल रही थी। तो क्या अनंत पर थोड़ा इस बात को बर्दाश्त कर सकता था कि उसके कुरान की आयतों में खिलाफ वर्जी किया है दीन, जो है अल्लाह तबारक व तआला का कुरान जो है मंसूख। मेरे दोस्त ने कहा, मुफस्सिरीन ने कहा, नहीं नहीं वो भी मंसूख है, कुरान की कुरान भी पूरा साबित नहीं है, कुरान की बात आयतें मंसूख है। कितनी आयतें मंसूख है? तो कहा कुरान की 500 आयतें मंसूख है। अब 6,676 ये है कुरान की आयतें, उसमें से 500 आप निकाल दो, 500 आयतें निकाल दो मंसूख। मंसूख के माने क्या? नल एंड वॉइड, उस पर अमल नहीं किया जा सकता। पढ़ो क्या मजा है, रसूल की उम्मत के साथ अल्लाह अपने बंदों के साथ क्या मजा कर रहा है। आयत तो मैं नाजिल करता हूँ, 500 आयतों पर अमल नहीं करना, 500 आयतों पर अमल नहीं करना, ये अल्लाह कहता हुआ क्या ये अल्लाह का मंशा है? तो उनसे ऐसे लाखों आयतें नाजिल कर शामिल करने के बाद में कि उसमें से थोड़े निकाल दो, बेटा निकालना था तो नाजिल हो गया, जब निकालना था तो नाजिल हो गया, तो जब नाजिल किया तो उसको मंसूख क्यों कर रहा है? ये भी आया तो तू मंसूख कर रहा है। और हुआ कि नहीं, नौज बिल्ला माफ करना अल्लाह, सो मतलब माफी करता हूँ, मालूम हुआ कि तू पहले नाजिल कर दिया, फिर समझ में आया कि नहीं ये आयत तो निकाल देना चाहिए। ये काम भी रिजर्व ऑफ इंडिया है, अंबेडकर बनाया है, अल्लाह को अकबर बनाया है, तो साफ साफ कहता है नहीं नहीं इसमें ला रब्बु वला याबुद, मैं इसमें कोई बात नहीं छोड़ी, हर धर्म वो कुछ चीज मैंने इसके अंदर बयान की है। अब पूछते हैं हम अल्लाह से, तू कौन सी चीज को निकाला? और जो निकाला और नाम निकालना था तो नाम नहीं टूट गया। अब तू खुद यह कहता है मेरा रसूल कयामत तक रहने वाला, मैं इस कुरान की हिफाजत करने वाला, मैंने नाजिल किया और मैं खुद इसकी हिफाजत करने वाला हूँ। अब हम क्या हिफाजत करेंगे जबकि तू खुद उसकी हिफाजत नहीं कर रहा है? तो ये क्या मना कर रहा है कि नाजिल करने के बाद बाद आए तो मंसूख? और ये उलमा कह रहे हैं, उलमा कह रहे हैं कि 500 आए थे मंसूख है, ना काबिल अमल, पढ़ो अमल मत करो। नतीजा क्या निकला इसका? नतीजा ये निकलेगा कि पढ़ने वाले अपने अकल से सोचेंगे और कहेंगे जैसा उन्होंने 500 निकाला तो मैं 500 ये भी नहीं निकालूंगा, मैं मंसूख करा देता हूँ, इससे क्या अमल नहीं हो सकता मुझसे। तो बाकी क्या रहा? लाखों उलमा हजारों आए थे, तो एक एक आलिम मिलकर भी अगर एक एक आयत को मंसूख करता चला गया तो कुरान रहता क्या है? हवा बुल या दरिया बुल, हवा तो उड़ा देना या दरिया भी बुल देना, यह कुरान शरीफ है। نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہوگا کہ میں تو الفاظ پہ حفاظت کر رہا ہوں، تو احکام کو منسوخ کر رہا ہوں، تو میں یہ کیا مزہ ہے، الفاظ باقی رکھ رہا ہے اور معنی کو عمل کرنے کا حکم ایک ہو رکھا ہے۔ ऐसा कुरान नाजिल करना था और मानी के साथ वो अल्फाज काम रहेगा, फिर हमको उसको पढ़ते थे। और अगर ये मानी नहीं है उसके अमल करना नहीं है फिर हमको क्यों मजबूर कर रहा है कि इसको याद करो तो इसको पढ़ते चले जाओ? यहाँ कहना था कि मैं आयतों को मजबूर करने वाला हूँ, उन आयतों को पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिर काम चलने लगा
तो लोगों ने मनसूख करा दे दिया, बात पे बुलाए। उन्होंने कहा नहीं साहब, 500 तो ज़्यादा हो गए, 500 तो ज़्यादा हो गए। मतलब कुछ अमल आए थे ऐसे ही कि उन पर अमल किया जा सकता है, तो उसमें से उन्होंने घटाया, घटा कर कहा कि 500 नहीं, मतलब 250 ही जो अमल नहीं कर सकते। फिर ठीक है उतरे लोग, फिर उन्होंने कहा कि नहीं 250 भी ज़्यादा हो गए, फिर क्या करना चाहिए, और कम करें कम करें कम करें। उस पर शाह वलीउल्लाह साहब ने आकर आखिर में कहा, 5 आयतें तो ऐसी हैं कि जिनको मंसूख किए बगैर अमल नहीं कर सकते, हम मान नहीं सकते। 5 आयतों पर तो उनको तो मंसूख करा देना ही है, 5 आयतों को मंसूख करा देंगे। नाजुल करने वाला अल्लाह और मंसूख करने वाले ये बंदे, कुरान के साथ मजाक वाली हुआ, दीन के साथ मजाक हो रहा है। अल्लाह ताला कहा कर देगा, देगा आप। फिर अल्लाह ने कहा, ऐ ईमान वालो, तुम अगर फिरते हो तो फिर जाओ, तुम अगर फिरते हो तो फिर जाओ, मैं अपने दीन को यहाँ पर बाकी रखूंगा, असली बुनियादों पर बाकी रखूंगा। उसूल एतबार से भी, असास के एतबार से भी, बुनियादी बातों को सामने रखकर, बुनियादी तो सिर्फ दो थी, एक मेरी किताब और दूसरा मेरा रसूल। इसमें किसी का भी क्या है, इसमें किसी का क्या है, दीन मेरा रसूल मेरे, और इस पैगंबर के जरिए से मैंने दीन को भेजा है वो भी मेरा। अब इसमें तुम भी अपना अपना हाथ निकाल लेते हो, तुम्हारा काम ये हुआ कि तुमने कुरान की तफसीरों को पढ़ा, हदीसों को तुमने पढ़ा, लेकिन तुमने उसकी ऐसी हिफाजत करनी चाहिए थी वो नहीं हुआ। क्या हुआ, ये कुरान के अहकाम जब इनके लिए सख्त मालूम होने लगे, उन्होंने कहा हम तो बदल नहीं सकते, कुरान को भी बदल नहीं सकते, कुरान के माने को बदल दो और कुरान के अहकाम को मंसूख करा दे।
ऐ ग्रीको ऐ हिंदू ऐ कापरो ऐ जनसंघियो ऐ बीजेपी वालों प्राण घुमाया है। क्या आया है तुम्हारे लिए? तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए हमारा दिन। तो मालूम यह हुआ अल्लाह ताला ने दोनों हालतों के मुताबिक अहकाम नाजिल किए। जहाँ इस्लाम में हुकूमत है और वो तुमको भिटाने के लिए आ रहे हैं और जहाँ तुम्हारी जल्दी नहीं अकलियत में हो तो तुमको अमल करना चाहिए। नहीं कर
คนจะพูดอะไรดีที่ไม่รับยาประสาทผู้หญิงที่ว่าทำไมแกที่ไปกับปาราวันอยู่ไหนกับปาราลิฟต์วันอยู่ไหนคุณได้กับปาราลิฟต์ตอนที่สามมีอยู่ขาไม่ขาดใจเดินมาสกัดนี่มันยังไม่รู้ยาตั้งหุ่นในแง่การตลาดดูเบสเดอร์ดูเบสไหนไม่ผ่านสาขาสุดท้ายที่เราทำเราเป็นใครยังโบราณมาแล้วจะสักไหนเราต้องรู้ประเด็นมากที่ถ้าเราไม่รู้เราต้องทำต้องรู้วิธีการสักนะแล้วผมว่าสาขาดูเรื่องนี้แต่ปาร์ลันเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เราทำสักสักคำกันเดียวउसका कफारा क्या है? सात रोजे मुसलसल बीच में छोड़ना भी नाराजी करना आज शुरू करे तो सात रोजे तक मुसलसल रोजे रखना और जो रोजा थोड़ा है उसके खाला तो जुमला कितने रोजे रखना है? इकसठ रोजे रखना या सुल्ला एक रोजा रखा तो यह हसरी एक रोजा रखा तो यह रुके साहब अपुन का तो क्या होगा मियाँ की हालत क्या होगी? वो भी कोई बोलना तो ये उसके लोग खाने जा रहे, वो नहीं उसके जा रहा तुझे। तो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस में लोगों को जो बैठे थे उसे भी जमा किया। भाई, ये तो तुम्हारा भाई ये मुसीबत में पड़ गया है, बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। भाई जैसे सामने तीन ऑप्शन पेश किए वो उसके पास वो भी उसके पास नहीं है तो ऐसा करो कुछ चंदा कर दो ताकि वो कफारा अदा कर सके तो सब लोगों ने मिलकर तो सुंदर के मन में अपने पास जो कुछ भी था ला ला कर देना शुरू कर दिया ताकि कम से कम साठ बिस्किट उनको खाना खिला दे ताकि देखिए प्रथम देखा जमा हुई थी वो यहाँ सुना तो सुंदर का रसोई बनाया जा सात बिस्किट उनको खाना खिलाते उसने कहा सुना मदीने के शहर के अफराफ में भी इतने हो गए उनने सबसे बड़ा बिस्किट नहीं उससे बढ़कर और कोई बिस्किट नहीं तो उसने उसकी नियत को पहचान दिया कुछ कुल तो मैं जानते खा ले ये ले तू ही खा ले तू ही ये ले तो तू ही खा ले उसके बाद फरमाया ये सिर्फ तेरे लिए ये सिर्फ तेरे लिए किसी और के लिए नहीं है ये होते क्या अब सुनने के रसूल रसूल शरीयत का बादशाह था शरीयत का बादशाह था उसके हुक्म को खारिज करने वाला कोई था अगर हम रसूल की उस सुन्नत को लेकर हम आज कहें कि या तू ही खा ले जा सकता है ये सुन्नत पर अमल कर सकते हैं हम इससे मैं कहता हूँ सुन्नतें उस वक्त के सिचुएशन के हालात के ताबे थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह शरीयत का इतना बड़ा बादशाह के रसूल की चाहत के सामने अल्लाह ताला ने भी खिदमत को बजा लाया सारी रसूल की ख्वाहिश थी कि काश ऐसा हो जाए कि काबे को अल्लाह से बड़ा बना ले अल्लाह ने कहा तद दराओ वजी का किस्तमा है हम फिर देख रहे हैं बार बार देखते हैं कि तू नमाज की हालत में भी आसमान की तरफ नजर उठाकर देखता है इस उम्मीद पर शायद जुबैर आ जाएं, वही लेकर आ जाएं और ये हुक्म सुना दें कि अब तुमको चाहिए कि तुम काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो तदनरा अल्लाह का सवाजा कर समाए पर अनुवल लियन न रखे ब्रतम दरगाह अब हम तेरे चेहरे को उस जबले की तरफ तेरा मुंह फेर देते हैं बस अब जो अरबाब आ रहे हैं वो याद रखेंगे उस किरदे की तरफ तेरा हम फेर देंगे अल्लाह जो
वो शेर खूब पसंद करता है। नमाज अल्लाह की इमाम फर्ज हो रहा है, किसके खाई का किसकी चाहत ये वहां मुझे मिल सकता है नहीं ये माओ तो वहां मिल सकता था अल्लाह का हरी बात पर आपने क्या फरमाया नंदर मां किताब अल्लाह वो इत्तेबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैं बदलने वाला नहीं कोई किसी मेरे मैं कोई किस बदलने वाला नहीं। वहां से जो हुक्म आ गया शहीद शाह है शरीयत ने जो हुक्म दे दिया है हम सबको चाहिए कि उसकी इत्तेबा करें। मजबूर था अल्लाह ताला ने कबूल भी कर दिया रसूल की का गुमान भी अल्लाह के पास यकीन बदल जाता है। रसूल का गुमान अल्लाह ताला के पास पहली मरतबा जब जुबैर आकर नमाज पढ़ाए दो दिन आए थे नमाज पढ़ने के लिए नमाज कैसे पढ़ना चाहिए हमारी तो फर्ज हो गई थी अब तरीका नमाज का कैसा होना चाहिए तो जुबैर पढ़ना ने भेजा कि रसूल को नमाज का तरीका अमली हैसियत से प्रैक्टिकल जाकर सुनाता था। जुबैर ने सबसे फिर लाए नमाज पढ़ा रहे नमाज पढ़ाते पहले ध्यान में जब पढ़ा पढ़ा है तो रुकू के बाद जब सजदे में गए तो रुकू जितना हुआ था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में भी उनकी देर पहले सुभाना रबिया लाला ये वक्त को दे देर हो गई सजदे में देर कर गई तो सुबह मान हुआ इतनी देर तो रुकू में से तीन जल्दी हो रहे थे यहाँ सजदे में तीन से कट गया हमें सात भी हो गए तो मेरी सर को उठाई सजदे से तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल में गुजरा कि शायद मैं नहीं सुनाऊंगा ये वही तो बोलते हैं मगर मैं नहीं सुनाऊंगा। इस ख्याल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर को उठा के देखा तो जिब्रील सजदे में ही है फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए। ये रसूल का गुमान था अल्लाह ने कहा दुआ दो सजदे होना चाहिए कितनी बड़ी है कि कुरान
सदा रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और किसी में उसको करने की हिम्मत नहीं हो सकती नहीं होता। लेकिन लोगों की कुछ कभी मतें टूटी और कुछ सहनांगारी पैदा हो गई, सुस्ती चढ़ गई और कुछ अकल ने जोर जोर दे दिया, इश्क कम होता गया और अकल के लिहाजे बढ़ते चले गए। ये भी होगा, होगा का मर्द आज बहुत चल रहा है, होगा का मर्द आज बहुत चल रहा है। अरे होगा उधर बोल रहा है होगा होगा से क्या बात है, क्या हुआ वो बोलो, वो हुआ ऐसा हुआ होगा ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है। तो बस चली बात, अब होंगे होंगे पे बात करी तो अल्लाह ने कहा सब कुछ हो सकता है, न कुरान बदल सकता है न नए रसूल की इत्तेबा बदल सकती है। तो मैं फिर से इन दोनों को जिंदा करने के लिए एक ऐसी हस्ती को भेजूंगा, अकेले को नहीं, अकेले भेजने का वक्त चला गया, अब भेजूंगा तो एक कौम के साथ भेजूंगा, उसी कौम का नाम, उसी कौम का नाम मैं नबी हूं, मैं लाऊंगा ये कौम को, मैं लाऊंगा ये कौम को। पैगंबरों को भी अल्लाह देता है और कौम को भी अल्लाह लाता है। एक नुक्ता बोलूं, पैगंबरों को अल्लाह ने भेजा हिदायत के लिए, गुमराह को मिटाने के लिए, शिर्क को बिदअत से मुकाबला करने के लिए, नाबूद करने के लिए जुल्मतों को। और जब यहाँ जब पैगंबरों का रिश्ता खत्म हुआ, आखिर पैगंबर आ चुके, फिर वो गायब हुए, आबो ताब के साथ फैलने लगी और वो भी ऐसी कि वहां तो उनके सामने किसी किस्म का जोर हिदायत का नहीं था, या हिदायत के दो दो दराए मौजूद, दो दो सोर्सेस मौजूद, इसके बावजूद वे टुकड़ा होने लगे। तो अल्लाह ने कहा अब ऐसा होगा कि एक को नहीं भेजूंगा, पूरी कौम के साथ में आऊंगा। या अल्लाह आने वाला है कौमिन, ये कौम के साथ उसका तर्जमा करते हैं, ये कौम को जाएगा। और इतना तर्जमा करने के बाद